तिस बिन दूजा अवर न कोई, 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 आपे थमे सच्चा सोई, आपे थमे सच्चा सोई। श्री गुरु नानक साहिब जी की आज जी दी अकोमोडेशन दे लंगर दे सारे प्रबंधक विच करतारपुर साहिब पंजा साहिब सारे प्रबंधक जिहड़े ने उह आप देख रहे ने अते एक एक चीज दा जिहड़ा है बड़ी बारीकी दे नाल डूंघाई दे नाल परख रहे ने अते एक एक चीज नूं वेख रहे ने। मैं गल करां कमिश्नर सैकटरी श्राइन राणा शाहिद सलीम साहब का, सतसंग जी जदों तो राणा शाहिद सलीम साहब इस अहुदे ते आए ने उन्होंने हमेशा ये कोशिश रही है अते काफी उन्होंने काबिश उन्होंने मेहनत है गुरुद्वारा साहिबान की उसारी विच लंगर के प्रबंधकां विच संगतां दी बीजी दे विच होर जो भी प्रबंध ने गुरुद्वारा साहिबान दे वो हर एक चीज का बड़ा बारीकी दे नाल ख्याल रखते ने अते हर एक चीज का जिहड़ा है वो हर वेले पुछदे ने। सतसंग जी आपणे ज़ात दी गल करां एक दिन सवेरे 5 बजे लंगर के प्रबंधकां बारे जिहड़ा मैनूं फोन आया सतसंग जी इस सवेर का जो समा है या तो लोग सुते होंगे ने या जो जागते हैं तो बाद लगे होंगे पर इन्होंने गुरु घर की सेवावां गुरु घर की चलती मर्यादा अपनी इबादत समझ के कर रहे हैं अति इन्हों की मेहनत जी है वह बहुत ज्यादा है। तुसी मार्की में वेख सकते होर प्रबंधकों वेख सकते हो गड़िया के प्रबंधन वेख सकते हो ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो बड़े अच्छे तरीके दे नाल कर रहे ने अतिथियां दी टीम सतसंग जी जिन्नी भी इन्हां दी टीम जिन्ने गुरुद्वारा साहिबान जिन्हां दी टीम है सारे हर वेले अलर्ट रहिंदे ने कि कदों भी साहब साडे कोल पुछ सकदे ने कदी भी साहब साडे कोल पिक मंगवा सकदे ने वीडियो कॉल ते आ सकदे ने एक एक चीज नूं आप देखदे ने। इह बहुत वड्डी गल है कि उन्हां ने हर एक चीज हर एक बंदे दी हाजिरी सफाई दा हर एक चीज दा वीडियो कॉल ते वीडियो लिंक ते वेख रहे ने या तस्वीरां मंगवा के चेक कर रहे हैं हर एक चीज का बड़े बारीकी के नाल उन्होंने गुरुद्वारा साहिबान का ख्याल रखा है। असीं सिख पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते पंजा साहिब दी संगत अते तमाम सिख संगत वालों असीं तिन्हां दे तहि दिलों धन्नवादी हाँ जो कि इन्ने अच्छे तरीके के नाल गुरुद्वारा साहिबान की हर एक चीज का ख्याल रख रहे हैं। सतसंग जी अज्ज दा ज़्यादा समां ना लैंदे हुए मैं उन्हें बेनती करांगा सरदार खुशवंत सिंह जी पार्टी लीडर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कि वो स्टेज पे आके संगतां नाल अपने विचार सांझे करन अते नाल ही मैं पंचप्यारे साहिबान गुरुद्वारा साहिब विच पुज गए हां मैं तिन्हां नूं वी जी आया आखदा हां तिन्हां दा वी धन्नवाद कि वो हर साल इत्थे आके संगतां नूं खंडे बाड़ी दी पावन तैयार करके इस सेवा बड़े अच्छे तरीके नाल निभाउंदे ने। असीं तिन्हां दा वी तहि दिलों धन्नवाद करदे हां जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा प्रचारक साहबान कथावाचक साहबान आए ने असीं तिन्हां दी वी धन्नवादी हाँ कार सेवा दे बाबा जी आए ने असीं तिन्हां दी वी धन्नवादी हाँ असीं सारियां सक्तां दा धन्नवाद भी कर रहे हाँ अभी जी आया भी आखते हाँ सोहण मैं बेनती करता हाँ सरदार खुशवंत सिंह जी पार्टी लीडर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कि कोल 3 मिंटां दे विच अपने विचार सक्तां नाल सांझे करन जी सरदार खुशवंत सिंह जी। गुरु नानक साहब जी दे पुस्तक स्थान पंजा साहिब विखे जुगो जुग अटल
साहब श्री गुरु साहब जी गुरु गोबिंद सिंह दरबार साहब के लिए प्रदेश सेक्रेटरी शाहीन राणा शाहिद सलीम जी उन्होंने सारी टीम साढ़े एडिशन सकत्र श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी पांच पैर साहबान बैठे फतेह बुलाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप सारे बहुत ही बड़े भागी हाँ क्योंकि हर एक सिख रोजाना अरदास गुरु महाराज बेनती करते हाँ कि अगे पाशाह जिन्हों गुरुधामों को सिख संगत को छोड़ा गया है उन्होंने गुरुधामों के खुले दर्शनदारा वास्ते आप रोज गुरु महाराज की अरदास करते हैं। उस अरदासा वाहेगुरु बोलते हुए जिन्ना भी संगत से गुरु महाराज की कृपा हुई वो इतने आन के उन्होंने अपने पवित्र स्थानों नतमस्तक हो मैं वेख रहा जो तो असी वाघा बार्डर तो क्रॉस किया राणा जी की सारी टीम पाकिस्तान गुरद्वा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब अमरीत सिंह जी की टीम ये सारी टीम ने बहुत ही गर्मजोशी के नाल सारी संगत का स्वागत किया जिथे भी जिस भी स्थान पर असी सारे पहुंचना हों उ जाके खास तौर पर फिर सम्मान करना जिते प्रबंधा की गल कर लीए तो बहुत ही वधिया सुचजे तरीके दे नाल रहन दा प्रबंध खाण पीन दा प्रबंध सारा उन्होंने किया। यात्रा के दौरान भी किसी नूं कोई तंगी नहीं आउंदी सी ते जिथे भी किसी संगत ने कहा भी असीं थोड़ी रैसट करनी है फ्रैश होना तो उत्थे गड्डियां खिलार के ते पूरे ही वधिया प्रबंध दे नाल उन्होंने जो ये प्रबंध किया। इत्थे मैं अपने वीरां नूं भैणां जो यात्रा दे उन्होंने ये खास बेनती करांगा जे असी बसां ते लेट होंदे आ उह प्रबंध दी कमी नहीं गी उह साडे च कमी है असी एक एक दो दो तीन तीन चार बंदे दूजे बंदे तुर पे जो टाइम दिता होंगे नौ बजे पहुंचे तो आप नौ बजे पहुंचीए ता जो इन्हों का प्रबंध ही वधिया हो सके इन्हों के प्रबंध में कोई कमी नहीं रही। मैं राती देख रहा कि संगत काली पै रही थी पर जो ये प्रबंधक से इन्होंने कोई काला नहीं पिया तो हर एक उन्हें टिकाने जो लाया उस बाद ही वापस गए हैं। ये बहुत ही गुरु महाराज की कृपा असी राणा शाहिद सलीम जी उन्हां दी सारी टीम का तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। अपने वालों सरदार हरजिंदर सिंह धानवी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां वालों सारिया संगतां नूं एक बार फिर बहुत बहुत वधाइयां गुरु नानक पातशाह जी गुरपुरब दीआं ते बहुत बहुत धन्नवाद राणा सलीम जी का सरदार अमीर सिंह जी का जिन्होंने संगतां का बहुत वधिया प्रबंध किया। एक बार फिर सारे नूं हथा बोलना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। सो इस सरदार प्रशांत सिंह जी पार्टी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्हों का तहे दिल धन्नवाद जो चंद मिनटा के रेंज संगत ने नाल अपने विचार सांझे किए। सुगुरु प्यारी सत्संग जी जो आप जी के अखी विखिया हल है वह आप जी ने पाकिस्तान का सफीर बन के हिंदुस्तान की धरती से जाके इस बाबे नानक की धरती की जोड़ी गल है वो आप जी ने संगत के नाल साझी करनी है। सत्संग जी सिख जिस धरती की भी रहा है जिस देश की भी रहा है उसका दिल हमेशा पाकिस्तान में लग्या रहता है क्योंकि पाकिस्तान की वह पवित्र धरती है जिथे साढ़े बाबे नानक का प्रकाश हो रहा है। साड़ी धर्म की शुरुआत पाकिस्तान की धरती को हुई है। एक गल मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते नहीं कर रहा मैं एक सिख होने के नाते नहीं कर रहा क्योंकि सिख जिस कंट्री के भी रहा है वो पाकिस्तान से पाकिस्तान आने अज पाकिस्तान से फख्र महसूस करता है क्योंकि सिख धर्म की जन्मभूमि जी है उन्होंने नकाणा साहब साड़ी धर्म की शुरुआत जी है उन्होंने नकाणा साहब। सो इस करके दुनिया भर में रेंदे सिख हमेशा पाकिस्तान को प्यार भी करते हैं पाकिस्तान वास्ते अरदासा भी करते हैं दुआ बोल भी रहते हैं। सो मैं बेनती करांगा सरदार जतेंद्रपाल सिंह जी पार्टी लीडर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कि वो इतने आके संगतान के नाम अपने विचार साझे कर। सर श्री ग्रंथ साहब महाराज जी
ਅਜੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ 900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕਿ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲ ਧਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ ਉਹ ਬਾਵਨ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਪਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਅਹੰਕਾਰਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਸਣ ਦਾ ਰਹਿ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਇੰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਾਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾਸ ਉਸਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੇਗਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੱਚਾ ਸੋਲਾ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾ ਕੇ ਗਏ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੁੱਖਣਾ ਐਂਟਰੀ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਬੈਡ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੱਥ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਸਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮ ਮੰਨੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੋਰੀ ਸੀ ਗੋਰੀ ਗੱਜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਲਗਾ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦਾਸ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਆਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਪਟਨਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਬਦਲਤੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਰਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਰਹਿਮਤਦਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਰੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਦਾਰ। ਮੈਂ ਗੁਰਮਨ ਫਾਤੂ ਲੈ ਲੇਗਾ ਜੂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਹੋਰ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਦੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਫਾ ਲੈਣ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇੰਨੀ ਆਨੰਦ ਸੇਵਾ ਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਾਗਾ ਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਈਏ ਇਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਓ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਦਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੋਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ੀ ਨਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਮ ਕਿਤੇ ਵਿਛੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ 1% ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਔਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਕੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ SGPC, ਆਪ ਕੋ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਆਪ ਕੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਟੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ, ਆਪ ਕੋ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਢਾਈ ਮੁਹਤਰਮ ਹਮਾਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਕੋ ਔਰ ਯਹਾਂ ਕੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇਹ ਰਖਵਾਲੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਾਮੂਰ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸੰਤੋਖ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਕੋ ਔਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਂ ਆਜ
जो वैसे तो मौजूद नहीं है लेकिन हमारे दिलों में भी मौजूद है, हमारे साथ भी हैं और मुसलसल हमारे साथ रबते में भी रहते हैं। उन्होंने आज इधर मौजूद होना था लेकिन आपको पता है कि हरमिंदर साहब के जो सिंह साहब हैं, हरप्रीत सिंह साहब, वो आए हुए थे। फिर बाबा जगतार साहब आए हुए थे, बाबा गुरपीर साहब आए हुए थे। तो उनको छोड़ने के लिए हमारे जो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब सरदार अमीर सिंह साहब, उनको मैं इन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ ख़ास तौर पे, क्योंकि ये पूरा फंक्शन, पूरी ये सेलिब्रेशन जितनी भी हमने की है, इसमें हमारी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हमारी जो वैकुएटर्स प्रॉपर्टी बोर्ड की पूरी टीम है जो श्राइन ब्रांच की है और उसके साथ जो अटैच्ड लोग हैं, उनकी ये शबो रोज मेहनत का नतीजा है कि हम बड़े सुकून से हम अपनी इबादत भी कर रहे हैं, हम सफ़र भी कर रहे हैं, लंगर भी चख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ख़ास तौर पर हमारे जो प्रधान हैं पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, वो हर वक्त जितने भी हमारे गुरुगण हैं उनके लिए और हमारी जितनी भी सिख संगतें आती हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से आए या दुनिया के किसी भी कोने से आए, मैंने उनको किसी भी वक्त फ़ोन किया है, किसी भी वक्त उनको बताया है कि कुछ सेवा करनी पड़ गई है। सेवा से मुराद ये है कि हमने रिसीव करना है, हमने उनके लिए कुछ प्लान बनाना है, हमने ये काम करना है। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। यकीनन आज मैं एक्नॉलेज करूंगा कि अगर उनकी एफर्ट मेरे साथ ना हो, क्योंकि दूसरी साइड पे जिस तरीके से कहा जाता है कि गाड़ी के जो दो पहिए होते हैं अगर दूसरा पहिया ना चले तो गाड़ी नहीं चलती, तो यकीनन मैं ये बता दूँ, मुझे भी बड़ा हौसला दे के रखते हैं, मुझे भी बड़ा बता के रखते हैं सिख मज़हब के बारे में भी, बाकी चीज़ों के बारे में भी। और उनका साथ हमेशा, वो रात के 4 बजे भी हो, 5 बजे भी सुबह के हो, लेकिन वो थकते नहीं हैं। उनकी बड़ी ये जो खिदमत है, ये जो सेवाकारी है उनकी, मैं उसको बड़ा एक्नॉलेज करता हूँ। उनके सामने भी करता हूँ, उनके बाद भी करता हूँ, अपने सरकारी महफिलों में भी करता हूँ, अपने निजी महफिलों में भी मैं करता हूँ। तो मैं ये अरदास करता हूँ कि उनको ये खिदमत का मजीद मौका भी मिले और वो इसी जज्बे के साथ काम करें। क्योंकि हम आज यहाँ पे खड़े हैं, पंजा साहब का जो जितना भी आपने ये सारी चीज़ें जो देखी हैं, इसमें सरकार तो ऑफ कोर्स है, सरकार के बगैर चीज़ें नहीं चला करती, किसी भी मुल्क की हो, किसी भी देश की हो, लेकिन यहाँ के जो दो लोग हैं वो बड़े प्रोमिनेंट हैं। एक संतोख साहब हैं, सरदार संतोख साहब, जो भी आपके सामने स्टेज जिन्होंने संभाला हुआ था, बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी दिल के साथ खिदमत करते हैं। मैं जिधर भी हूँ, जब भी फ़ोन किया कि ये काम इस तरीके से ठीक नहीं है, सम टाइम्स कहते हुए जो है वॉल्यूम अप एंड डाउन भी हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा चीज़ को पॉजिटिव लिया है। मैं आपको ये बताऊं कि आपके आने से पहले हमारे यहाँ पे स्टोर थे, स्टोर्स के अंदर इन्होंने कभी आप जाके देखें, इतने अच्छी टाइलें लगाई उसकी स्टोर्स के अंदर, इतनी अच्छी टाइलें शायद हम अपने बेडरूम में भी नहीं लगा। तो सिर्फ वो खिदमत करते हैं कि गुरु साहबान के जितने भी फॉलोअर्स आए तो उनकी अच्छे तरीके से खिदमत हो सके। अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोगों के लिए राशन की बात कर रहे थे, लंगर की बात कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग का जो सिलसिला है वो बनाया और कि किस तरीके से जाएगा, ताकि रास्ते में जितने हमारे ये जो मेहमान हैं, हमारे भी हैं और गुरु साहब के भी हैं, तो इन मेहमानों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, साथ साथ रिफ्रेशमेंट का भी है। तो मैं स्पेशल शुक्रगुजार हूँ संतोख साहब का, और कभी कोई इनको मैं काम बता के गया हूँ तो वो काम उसी वक्त शुरू हुआ है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ग्रंथी साहब हैं, कुलबीर साहब, इन सब से आप वाकिफ होंगे, ग्रंथी साहब से। ग्रंथी साहब कहाँ पे हैं?
ग्रंथी साहब जरा एक मिनट जरा, ये हमारे ग्रंथी साहब है कुलबीर साहब, ये इनकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है इस गुरुद्वारा साहब के साथ। इनके जो वालिद साहब थे वो 1972 में यहां पे आए, 50 साल तक इनकी जो खिदमत हो गई है इनकी फैमिली की, 1998 तक उन्होंने यहां पे खिदमत की, उसके बाद इनकी बारी आई और बकायदा तौर पे इन्होंने भी 2008 से खिदमत शुरू की। तो गुरु घर की जो खिदमत है वो इतना आसान काम नहीं है। ये पाकिस्तान के किसी दूसरे खित्ते से आके यहां पे इन्होंने खिदमत दी और कभी खिदमत से थके नहीं है, बड़ा जज्बा है इनका। तो मैं आपके जज्बे को, आपके खानदान के जज्बे को भी सलाम पेश करता हूं और आपके लिए बड़ी खुश नसीबी है। मैंने आज थोड़ा सा समय आपका लूंगा, क्योंकि जिस भी गुरुद्वार में जाए, जहां पे भी जिस भी गुरुद्वारा साहब में जाए, खास तौर पे वो गुरुद्वारा साहब जहां पे महाराज बाबा गुरु नानक देव जी के कदम लगे हों, जहां पे उन्होंने सांसें ली हों, जहां पे उन्होंने शब्द बोले हों, जहां पे उन्होंने इंसानियत की खिदमत की हो, जहां पे उनको उन्होंने इंसानों को इकट्ठा किया हो, जहां पे उन्होंने नफरत को मिटाया हो, वो जगह, वो लम्हे, वो औकात, वो लोग, वो इमारतें, मैं ये समझता हूं अमर हो चुकी है। यकीन करें शायद आप लोग थक जाएंगे, लेकिन मुझे थकावट नहीं आती। थकावट इसलिए नहीं आती कि शब्द ऐसे हैं, बातें ऐसी हैं, इंसान भी खत्म होने वाला है, इंसान की दौलत भी खत्म होने वाली है। जो ना खत्म होने वाली चीजें हैं वो आपके अमाल हैं, जो आपने कर्म यहां पे किए हैं, जो आपने यहां पे सोच छोड़ी है इस प्लेनेट के ऊपर, ये खत्म नहीं होनी। और इसकी वाज़े मिसाल है कि हमारे महाराज बाबा गुरु नानक देव जी के आज 554वां उनका हम बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि वो हमारे साथ है। महसूस ये हो रहा है कि उनकी टीचिंग्स हमारे किरदार में उतर चुकी हैं, उनकी सोच हमारी सोच के साथ है, और उन्होंने एक ऐसी सोच दी कि जिसमें मुसलमान भी मजबूर है, हिंदू भी मजबूर है, दीगर मजहब के लोग भी मजबूर हैं कि उनकी तालीमात के ऊपर अमल करके वो एक रास्ते का तैयार जरूर कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह कहते हैं कि मुसलमान, यार मुसलमान तो होते ही ऐसे हैं, फलां हैं, जो मुसलमान की डेफिनेशन है, अगर किसी ने मुसलमान को परखना हो, वो शाहिद को, मुदस्सर को, अकबर को ना देखे, वो देखे कि इनके जो नबी कामल थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका क्या किरदार। फिर पता चलेगा कि मुसलमान वो नहीं है जो हमारे जैसा बंदा आके कोई बात कर दे, हमारे जैसा बंदा आके कोई किरदार कर दे, हमारे जैसा बंदा आके कोई ऐसी बात कर दे जिससे लोगों के दिल दुख जाए, जिससे लोगों के अंदर कोई गुमान पैदा हो जाए। तो जिसने सही मुसलमानी देखनी है तो वो हमारे नबी आखिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले। तो इसी तरह मैं ये कहता हूं और मेरा ये बिलीव है कि अगर किसी ने सही सिखिज्म देखनी है, वो फिर प्रीतम सिंह को, वो फिर किसी और को ना देखे, वो बाबा गुरु नानक देव जी
की टीचिंग जरा पढ़ ले। तो उसको समझ आ जाएगी कि बाबा गुरु नानक देव जी क्या चाहते थे। वो इंसानियत को इकट्ठा करना चाहते थे, वो एक ओंकार की तरफ लेके जाना चाहते थे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे एक शायर हैं बरेसगीर के, पाकिस्तान बनने से पहले भी उनका बड़ा नाम था, अभी भी बड़ा नाम है, और वो पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। हम उनको हकीमुल उम्मत भी कहते हैं कि उन्होंने उम्मत की नब्ज के ऊपर हाथ रख के उनका मर्ज बतलाया था और फिर सही रास्ते का तय्यन करके फिर बताया था कि आपकी मंजर क्या है। और उन्होंने इस तमाम चीजों को जो परोया वो उन्होंने अपनी शायरी में परोया। यकीनन आप उनसे वाकिफ होंगे, हम उनको शायर मशरक भी कहते हैं। हजरत इलामा इकबाल, आप ये देखिए, मैं ननकाना साहब भी, जन्म स्थान साहब भी, मैंने कहा था कि बाबा जी की लाइफ को जितना बयान करेंगे उतना कम ना, किसी पहलू को उठाएंगे उस पहलू में आपको उनकी हदायत भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी और उनसे रोशनी भी मिलेगी, लेकिन मिलेगी उनको जो लेना चाहे, ये शर्त है। वरना कुरान भी सामने पड़ा होता है, हस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे सामने होता है, लेकिन वही मुसलमान नसीब वाला होता है जो उनसे लेसन लेके उनके ऊपर अमल करता है। इसी तरीके से गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है हर गुरु घर में, लेकिन इससे लेसन वही सिख लेके जाएगा, वही सिख हमारा भाई और बहन लेके जाएगी, जिसके नसीब में भी होगा और जिसकी इच्छा भी होगी। मैं आपको बताऊं कि शायर मशरक ने बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में एक शेर कहा, और बड़ी हैरानगी वाली बात है। आप ये देखें, बाबा गुरु नानक देव जी 550 साल पहले, लेकिन 20वीं सदी के हमारे शायर मशरक वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, फिर उठी आखिर सिदा तौहीद की पंजाब से, फिर उठी आखिर सिदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। और ये जो मर्दे कामल की उन्होंने बात की है, ये बाबा गुरु नानक देव जी की बात, कितने फख्र की बात है आप लोगों के लिए। आपका सर उतना ही बुलंद होना चाहिए जितनी बुलंदी की पगड़ियां और दस्तारे आपके 10वें गुरु गुरु गोबिंद साहब ने आपके सर पे रखी। मैं थोड़ा सा जो इतिहास है, अगर इतिहास के पन्नों में मैं जाऊं और मैं देखूं कि ये जो हसन अब्दाल है, यहां पे बाबा गुरु नानक देव जी क्यों आए, कहां से आए, तो हमें इतिहास के पन्ने बताते हैं कि बाबा जी इस चीज के ऊपर सारे इत्तफाक करते हैं। बाबा जी बगदाद भी गए, बाबा जी सऊदी अरब भी गए, खाना काबा भी गए, श्रीलंका भी गए, बाबा जी मशरक वुस्ता में भी गए, बाबा जी अफगानिस्तान में भी गए, और कमो बेश बाबा जी ने कहीं पे 30,000 का जो है वो हमें हिंसा मिलता है, कहीं पे 40,000 का मिलता है कि इतने किलोमीटर उन्होंने सफर किया। लेकिन हर एक इतिहास लिखने वाला इसके ऊपर कारबंद है, और उसने हमें साबित किया है कि बाबा जी ने बड़ी उदासियां काटी, जिनमें से 4 बड़ी उदासियां। एक उदासी काट के
जो कि ज्यादा इम्कान है कि खाना काबा की उदासी काट के वो इस रास्ते से जा रहे थे और यहां पे क्या फरमाते हैं। अभी ये बड़ा हमारे लिए जस्तजू करने वाली बात है, यहां पे क्यों ठहरे। बाबा जी ने दो क्याम किए, एक क्याम यहां पे भी किया जिसको हम अंग्रेजी में स्टॉप ओवर कहते हैं, एक क्याम उन्होंने जलम के पास रोहतास एक कला है उसके पास किया और उसका नाम आज चौवासा पड़ा हुआ है। चौवासा मींस ड्रॉप ऑफ वाटर। यहां आते हैं तो पानी निकालते हैं, वहां जाते हैं तो पानी निकालते हैं। किसके लिए? अपने खानदान के लिए? किसके लिए? अपने मानने वालों के लिए? नहीं, इंसानियत के लिए। जब यहां पहुंचते हैं तो पानी का जो मसला पैदा होता है कि लोग जो संगते थे उस वक्त यहां पे सिक्की नहीं थी, यहां पे उसके इनके इतने फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन जो फॉलोअर्स थे वो सच्ची बात को मानने वाले थे, क्योंकि बाबा जी ने जो बात की वो हक की, वो हक की। यहां पे मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बता दूं। एक दफा बाबा जी काजी साहब के पास जाते हैं तो काजी साहब ने पूछा, बाबा जी आपने कोई नया मजहब शुरू कर दिया है। आप कहते हैं जब आपको एनलाइटनमेंट हुई, चमत्कार हुआ, जब नदी से बाहर हुए आए तो कहने लगे ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। उनके कहने का मकसद यह था कि सारे इंसान बराबर हैं, इंसानियत के ऊपर तो परखें, इंसानियत तो देखें, बाकी चीजें बाद में देखनी है, कौन क्या है देखना। यह है इसके अंदर सच्चाई है, इसके अंदर भलाई है, इसके अंदर मुखलसपन है, इसके अंदर ईमानदारी है। वो तो इन चीजों की तलाश में थे बाबा जी। तो जब काजी साहब ने कहा कि बाबा जी ये क्या आपने शुरू कर दिया, यहां पे तो एक हंगामा बरपा हो जाएगा, हिंदू भी आ जाएंगे मुसलमान भी आ जाएंगे, तो बाबा जी ने कहा कि नमाज का वक्त होने जा रहा था तो उसने कहा मैं नमाज पढ़ लूं। तो बाबा जी को कहने लगे कि आप भी नमाज पढ़े। तो बाबा जी ने कहा हाँ मैं नमाज पढ़ता हूं, लेकिन मैं भी पांच वक्त की नमाज पढ़ता हूं, मेरी नमाज जो मेरी नमाज है उसका पैमाना कुछ और है, वो इंसानियत के ऊपर है। उन्होंने कहा कि कौन सी नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो लफ्ज बोला, आप ये देखें कितने अजीम गुरु के मानने वाले हैं आप लोग, आप लोग जल्दी ना मचाया करें, सुकून से बैठा करें। बाहर बैठ जाना आपकी इबादत है, अंदर बैठ जाना इबादत है। कमरों की फिक्र ना किया करें, रहाइश की फिक्र नहीं होती। जब तूफान आपके जहन में चल रहा होता है सच्चाई ढूंढने का, तो पैसा दौलत मकान ओदे ये खत्म हो जाता। तो बाबा जी ने जो पहला लफ्ज बोला, कहने लगे मैं जो नमाज पढ़ता हूं वो सच्चाई की पढ़ता हूं, मैं सच्चाई बांटता हूं, मैं दूसरी नमाज हक और भलाई की पढ़ता हूं कि मैं भलाई बांटता हूं, मैं भलाई का जो है वो प्रचार करता हूं, मैं दूसरों की मदद के ऊपर यकीन रखता हूं। बाबा जी ने कहा मेरा तीसरी जो नमाज है मैं लोगों की मदद के ऊपर यकीन रखता हूं। बाबा जी ने कहा जो मेरी चौथी नमाज है वो मैं लोगों में मोहब्बत बांटता हूं। आप ये देखें आज अगर मैं मुस्लिम हूं कोई गैर मुस्लिम है इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मुझे मोहब्बत से
बुलाएगा तो मैं उसके पास जाऊंगा, अगर मैं आपको मोहब्बत से बुलाऊंगा आप मेरे पास आएंगे, वरना यहां पे हमने देखा है भाई भाई को छोड़ देता है, इतना छोड़ता है कि वो सारी सारी जिंदगी अपने सगे भाई के साथ, अपनी सगी बहन के साथ बात नहीं करता। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो आपस वाली मोहब्बत जो हमारे बाबा गुरु नानक देव जी ने चौथी नमाज के हवाले से बात करके बताई, वो लोगों में नहीं है। पांचवी चीज जो उन्होंने बताई, वो कहा कि मैं नफरत खत्म करने वाला हूं, कि लोगों के अंदर जो नफरत है, आपस में जो बुगज है, ज़हनों में जो खमार और खन्नास है, मैं उसको खत्म करने आया, मेरी ये नमाज है। तो बाबा जी की शिकायत लग गई नवाब सुल्तानपुरी के सामने। नवाब सुल्तानपुरी ने कहा बाबा जी ये कौन सी नमाजें हैं? उसने ये नहीं सोचा था कि ये तो एक बड़ी महान हस्ती है, ये तो वो नमाजें हैं जो नमाजें बेसिकली यही असूल इस्लाम के भी हैं, कि अगर आप में ये असूल नहीं होंगे जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें आपकी नमाजों का फायदा होने वाला नहीं। तो नवाब सुल्तानपुरी ने उसने कहा कि बाबा जी ये क्या आपने बात की है, हमारे जो उलमा इकराम है वो तो तैश में आ जाएंगे। तो बाबा जी ने कहा फिर पूछ ले काजी साहब ने नमाज कौन सी पढ़ी है। नमाज पढ़ते हुए इनको जो ख्याल आया था वो अपनी घोड़ी के बच्चे का आया था, कि घोड़ी का बच्चा कहीं वो खुला रह गया वो कहीं कुएं में ना गिर जाए। तो घोड़ी उस जमाने में इसी तरह थी जिस तरह आज कोई मर्सिडीज कार में बाहर खड़ी कार आऊं और उसकी चाबी भी अंदर लगा दूं और वो स्टार्ट रहे तो मैं नमाज नहीं पढ़ सकूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी नमाजें नहीं पढ़ता। उसके बाद आपको पता है कि बाबा जी जो है नवाब दौलत साहब के यहां भी गए थे, जहां पे काम करते थे अकाउंटेंटशिप का। तो उसके बाद बाबा जी ने वो मुलाजमत छोड़ दी। उन्होंने कहा बाबा जी अभी किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा क्योंकि आपको पता है आप 5 साल की उम्र से ही ऐसे ऐसे करमाते थी बाबा जी के अंदर कि लोग उनके साथ जुड़ना शुरू हो गए। राय बुलार भट्टी की मिसाल हमारे सामने है कि वो कैसे जुड़े, मैं उस डिटेल में नहीं अभी जाऊंगा। बाबा जी ने कहा कि मैंने मुलाजमत आज से उसकी कर ली है, जिसकी मुलाजमत से इंसानियत का फायदा होगा। और उस दिन से उन्होंने छोड़ दिया और अपने जो चेला था, अपना जो फॉलोअर था भाई मर्दाना, आप ये देखें वो मुसलमान को लेके साथ चल पड़े थे और निकल पड़े फिर उदासियों की तरफ, और बाकी एक लंबी कहानी है। तो मैं जहां से ये वाक्या स्टार्ट किया था कि हसन बदार क्यों रुके, आप ये देखें हसन बदार कोई आम खिता नहीं था, इट वॉज अ गेटवे बिटवीन सब कॉन्टिनेंट एंड अफगानिस्तान। यहां पे आके लोग रुकते भी थे, लेकिन आपने क्यों इंतखाब किया, हमने इसके ऊपर गौर करना, ये आपके अंदर बात और सोच आनी चाहिए। ये चीजें आप अपनी आने वाली नस्लों को जरूर बताएं कि बाबा जी ने इधर क्यों इंतखाब किया, क्योंकि यहां के लोग जो मसाइल के अंदर गिर चुके थे, जिनको इस तरह के सोशल मसाइल थे, वो मसाइल उन्होंने दूर कर लिए। सबसे बड़ा मसला यहां के लोगों को जो पानी वाला मसला पैदा हुआ था वो मसला भी हल करना था। फिर हिंदू मुस्लिम्स को एक इकट्ठा भी करना था,
इंसानियत को जोड़ना भी था। आप ये देखें, ये एक ऐसा इलाका था जहां पे पानी के ऊपर भी किसी एक मखसूस किस्म के जो एक तबका था उसका कब्जा था, वो कब्जा भी छुड़वाया और पानी भी निकाला। आज 554 उनका बर्थडे है, आज भी पानी ये चल रहा है, अपनी आंखों से देख रहे हैं। और दूसरा जो चौवा साहब है उसका नाम ही चौवा साहब पड़ गया, जो टीला जोगिया है एक जगह जेलम के पास, वहां पे सिंगलाख पहाड़ों के अंदर बाबा जी जब एक उदासी काट के वहां से भी आए, जब वहां पे रुकते हैं वहां पे भी पानी का मसला था, वहां से भी पानी उन्होंने सिंगलाख पहाड़ों से निकाला। आज भी सरोवर साहब भी वहां पे है और पानी भी वहां पे चल रहा है। तो बाबा जी ने सिर्फ पानी यहां पे नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए पानी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेलम से भी जो है निकाला। वहां पे भी आज हमारा एक गुरुद्वारा साहब है जिसका नाम गुरुद्वारा चौवा साहब है, उसको हमने रेनोवेट किया और बड़े अच्छे तरीके से किया, इतिहास के मुताबिक किया। वहां पे भी आप चक्कर लगाइए और देखें कि बाबा जी कैसी कैसी मुश्किल जगहों के ऊपर जाते थे। और ये जो हसन अब्दाल है, आप ये देखें कि जो अब्दाल थे वो भी एक बहुत बड़े पहुंचे हुए एक वलीउल्ला थे जो अब्दाल थे, और उसके साथ साथ जो हसन थे वो उनकी खिदमत करते थे। तो फिर आप ये देखें वली कंधारी के साथ भी जो बातचीत हुई, उसके बाद जो यारी पड़ी फिर ऐसी पड़ी कि आने वाले बंदे मजबूर हैं, जो यहां पे आता है बाबा जी के कदमों में चरणों में वो फिर ऊपर भी 2 किलोमीटर चढ़ के जाता है। बाबा जी के ऐसे ऐसे कर्मात हैं, ऐसी जिंदगी है, क्या कमाल जिंदगी है कि उनके जो घर वाले थे, क्योंकि सच्चा सौदा हम होके आए हैं, हमें पता आपको पैसे से प्यार नहीं था, तो घर वाले वालदैन तो फिर परेशान हो जाते हैं बच्चों से, वो तो बच्चा समझ रहे थे, उनको नहीं पता था कि ये एक ऐसे बुजुर्ग बनने जा रहे हैं जिन्होंने इतनी इंसानियत की खिदमत करनी है कि दुनिया के 7 बड़े आजमों में इनके मानने वाले होंगे, समंदर पार से लोग आया करेंगे। तो उनके जो वाले साहब थे उन्होंने कहा कि आप बाकी काम तो नहीं करते, आप इस तरह करें कि भैंसे चराया। तो आपने वो भैंसों का काम जब शुरू किया तो आपको पता है कि मारजी गुरुद्वारा साहब भी है, तो भैंसे चले जाया करती थी किसी के खेत में कहीं पे, लेकिन शिकायत आनी जब वापस जाना फिर वो खेत हरे के भरे, तो उनको समझ ना आए हो क्या रहा है हमारे साथ। फिर उनके वाले साहब ने कहा कि आप इस तरह करें काश्तकारी शुरू करें। बाबा जी ने कहा कि ठीक है, क्योंकि वाले साहब थे कालू मैदा साहब, तो उनके आगे इनकार तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी वादा साहबा तो जान चुकी थी कि मेरा बेटा है क्या, माता तड़िता जो है उनको समझ आ चुकी हुई थी। तो बाबा जी ने एक दिन बाहर जाके अपने दोस्तों को कहा कि मेरे वालिद साहब कहते हैं कि जमीन के अंदर हल चला, मैं तो तन के खेत पर मन का हल चलाना चाहता हूं। मेरी बात आपको समझ में आई है? मैं तो तन के खेत पर मन का हल चलाना चाहता हूं और ऐसी नेकी और भलाई फैलाना चाहता हूं जो मेरे घर में फसल नहीं आएगी बल्कि पूरी दुनिया में जो है खुशहाली आ जाएगा। और आज उस हल को हमने देख लिया कि बाबा जी ने बिल्कुल सही फरमाया, जो उन्होंने तनों के ऊपर, जो लोगों की सोच के ऊपर, जो लोगों के जिस्मों के ऊपर उन्होंने मन का हल चलाया, तो वो हल ऐसा चला कि ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक
जितने भी कंट्रीज हैं उन सब में गुरु घरों में ये हमारे लंगर चल रहे हैं, जहां पे ब्रेक ही नहीं है 24/7। अगर आप बाहर के मुल्कों में जाए स्टोरों के ऊपर लिखा होता है ये ओपन रहेगा 24/7। तो ये मैं कहता हूं जिसे 24/7 देखना है तो वो हमारे लंगर देखे, हर जगह पे ये लंगर चल रहे हैं। एक चीज ये लोग कहते हैं बाबा जी अकाउंटेंट थे दौलत खान के, ये करते थे वो करते थे। मैं आपको ये बताऊं उन्होंने बड़ा थोड़े समय के लिए काम किया था, शायद आप लोगों को बताने के लिए किया, हम लोगों की हमें एक रास्ता दिखाने के लिए किया। कहते हैं कि बाबा जी जब काउंटिंग करते थे तो जब हिंसा 13 का आता था तो बाबा जी रुक जाया करते थे, बाबा जी रुक जाया करते थे। बाबा जी कहते थे ये मेरा नहीं है ये तेरा। बाबा जी कहा करते थे ये मेरा नहीं ये तेरा है, सुनने वाला कोई नहीं होता था, अपने मन को ही कहते थे। लेकिन उनकी आवाज जो मन से निकली आज पूरे कुर्रे अरस के ऊपर वो आवाज बार बार हमारे कानों में गूंज रही है। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं वो आप अपनी सोच के अंदर भी लाएं और अपने किरदार के अंदर भी उस 13 वाले हिंसे को लेके आ जाए। एक चीज इंशाल्लाह जब आप लोग लाहौर आएंगे तो हम लाहौर की भी बातें करेंगे, और वहां पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे एक और वफाकी वजीर हैं जो कि मजहबी आहंगी की हैं, उनसे दरख्वास्त की है और उन्होंने रजामंदी जाहिर की है और कि मैं आऊँगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को खुसूसी तौर पे वहाँ पे ज़रूर बुलाएं और वहाँ भी आप आएंगे इंशाल्लाह। तो हम जो मजहब की आहंगी है उसके ऊपर जरूर बात है। तो फिर लड़ता वो है जिसके पास नॉलेज नहीं होता, ये याद रखना। लड़ने वालों के हाथ सामने हाथ बांध लिया करें, जब वो मजहब के बारे में कोई लड़े तो हाथ बांध लिया करें, उसकी कम अकली के सामने वो हाथ कोई फिजिकली हाथ नहीं बांधने होते, उससे बातचीत ना किया करें। उसकी कम अकली इतनी होती है कि वो जज्बाती हो जाता है। जिसके पास इलम होता है वो इलम से बात करता है, जिसके पास हथियार होता है वो हथियार से बात करता है, जिसके पास जो है वो जानवरों जैसी ताकत होती है वो जानवरों जैसी ताकत के साथ बात करता है। तो जो लॉजिकल जो चीजें होती हैं, जो कि चीज हमें एक मंतकी लिहाज से पूरी करनी पड़ती है, तो वो हमें मंतक के ऊपर आके बात करनी चाहिए। तो फिर मैं वहां पर फिर बताऊंगा कि मुसलमानों का और सिखों का जो तालमेल था, जो बाबा जी ने जिसकी बुनियाद रखी, मैं फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगा जिनके आज चिल्ला गा भी वहां पर मौजूद है और इतने इतने पीर हैं कि एक तो ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जिनको तमाम पीरों का सरदार भी कहा जाता है, ऐसे भी हमारे वली हैं जिनको बरसगीर का वली कहा जाता है, ऐसे भी वली हैं जिनकी कुछ बानियां हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, तो आप थक ना जाए कहीं पे। इसके अलावा मैं आपको इस दिहाड़े की बहुत ज्यादा बधाई पेश करता हूं और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जो चीजें हैं बाबा जी की जो खुशबू है, अभी बात की जितेंद्र साहब ने कि इस खुशबू का बताना है, मैं ये समझता हूं खुशबू बताती नहीं है, खुशबू महसूस होती है। एक बंदे ने अगर परफ्यूम लगाया हो तो उस परफ्यूम का कसूर नहीं कि अगर उसकी खुशबू मेरे तक नहीं पहुंच रही, वो मेरा कसूर है, मेरी नाक का कसूर है,
मेरी सेहत का कसूर है कि मेरे तक वो खुशबू आ नहीं रही। तो खुशबू को महसूस किया जाता है जब आपको लोग उधर मिले इस 10 दिन की यात्रा के बाद, तो बाबा जी की वो खुशबू आपके घर वालों को भी, आपके मोहल्ले वालों को भी, आपके रिश्तेदारों को भी, आपके दोस्तों को भी और दूर दराज के लोगों को भी ऐसे पहुंचनी चाहिए जैसे गुलाब के फूल आ गए आपके। मैं आखिर में, क्योंकि बाबा जी के सिर्फ शब्द बोलूंगा वरना एक एक शब्द के ऊपर एक एक थीसिस लिखा जा सकता है, कि बाबा जी ने जो 5 शब्द कहे थे उनका हार बना के गले में डाल लें और आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आप बाबा जी के मानने वाले हैं। मैंने भी जब उन 5 शब्दों को देखा, मैंने कहा ये वही शब्द हैं, ये वही चीजें हैं जो हमारी अहादीस से भी साबित है, जो हमारे कुरान में भी है और कई कई अहादीस है। लेकिन आप अपनी सिखिज्म के मुताबिक इन 5 शब्दों को खुद भी याद करें और अपने बच्चों को भी और आने वाली नस्लों को भी याद करें। किसी से झगड़ा हो जाए उसका भी इलाज इसी में है, किसी की कोई डिमांड है उसका भी इलाज इसी में है, किसी को लालच की मरज लग जाए उसका भी जवाब इसी में है, किसी को हिर्स लग जाए उसका भी इलाज इसी में है, किसी के साथ झगड़ा हो गुस्सा आ जाए उसका भी इलाज इसी में है। तो बातें बड़ी करने को है, जी नहीं चाहता, यकीन करें मेरा तो बिल्कुल नहीं चाहता जब मैं ये बातें शुरू करता हूं, दिल करता है मैं बातें और करूं। और बाबा जी की ऐसी ऐसी बातें जिनसे हमारी जिंदगी चेंज होनी है और उन बातों का हमारे ऊपर असर भी आना चाहिए। 10 दिन की यात्रा के बाद अपने साथ वादा करके जाएं कि कम से कम बाकी जिंदगी बाबा जी की सारी सामने रख के इन 5 शब्दों के ऊपर अमल करना भी है, करवाना भी है, बताना भी है और इसको अपने जहनों में रखना भी है। सबसे पहला शब्द बाबा जी का काबा, कि आपके अंदर वो लस्ट, वो डिजायर, वो अननेसेसरी जो चीजें हमारे जहनों में चलती हैं वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कामा, ये याद रखना है कामा। दूसरा क्रोध, जिसको उन्होंने कहा कि ये गुस्सा, ये एंगर, ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ये गुस्सा झूठ के खिलाफ होना चाहिए, बदनीयती के खिलाफ होना चाहिए, फ्रॉड के खिलाफ होना चाहिए। ये गुस्सा इंसानियत के साथ नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज लोभ, लालच नहीं होना चाहिए। इंसान के अंदर लालच नहीं होता, जिसके अंदर लालच होता है वो इंसान नहीं होता। चौथी चीज मोह, अटैचमेंट। अटैचमेंट की जो वो मिसाल आपको दे के गए हैं, जो हमें दे के गए हैं, जो इंसानियत को दे के गए हैं, उसकी मिसालें मैंने दीगर मजाहिब में भी देखी हैं, दीगर मजाहिब में भी देखी हैं मैंने, कि एक वो जो शहजादा बुद्ध मत का अपने घर वालों को छोड़ के निकल आता है, उसने अटैचमेंट नहीं की अपनी बादशाहत के साथ, वो भी हक के ऊपर निकल आया। आप ये देखें बाबा जी में कितनी बड़ी सोच थी। एक अटैचमेंट हमारे पैगंबरे आजम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी छोड़ी, वो भी अपने वालिद साहब को छोड़ के तो निकल आए थे, जहां पे मक्का शरीफ है यहां पे आ गए थे। तो फिर कुरान मजीद ने उनका जिक्र कुरान मजीद में किया, तो बाबा जी ने भी अटैचमेंट छोड़ी अपने वालिदैन की, इंसानियत की खातिर उन्होंने हर किस्म की अटैचमेंट छोड़ी, मुलाजमत भी छोड़ी, घर वाले भी छोड़े
सब कुछ कुर्बान किया, तो बाबा जी ने ये लफ्ज आपको वैसे नहीं दिए, उन्होंने एक एक लफ्ज के ऊपर अमल करके आपके हवाले किए हैं, ये अमानत है, प्लीज अपने पास रखिएगा। आखिरी जो लफ्ज जो उन्होंने बोला, जो शब्द बोला, वो अहंकार का था कि आपके अंदर कहीं पे ऐसा घमंड ना आ जाए, प्राउडनेस ना आ जाए आपके अंदर कि मैं तो बहुत बड़ा नॉलेज वाला बंदा हूं, मुझे तो सारी किताबें याद हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत है, मेरे पास बहुत बड़ी हुक्मरानी है, मेरे पास बहुत बहुत बड़ी बादशाहत है, तो ये घमंड ना आपको कहीं खा जाए। तो बाबा जी ने इसकी चलती फिरती मिसाल खुद बने, जिसमें उन्होंने भाई मर्दाना को और भाई बाला को अपने साथ रखा। तो पांच शब्द मेरे साथ दोहराए, ये शब्द आप और ऊंची बात में दोहराए, कामा ऊंची बोले, क्रोध लोभ मोह और अहंकार। कोई भी आपके सामने मुसलमानों का आलम आ जाए, हिंदुओं का पुजारी आ जाए, बुद्ध मत का मानने वाला आ जाए, जैन का मानने वाला आ जाए, इन पांच अल्फाज से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता, ये याद रखना। और उसको कहना कि अपने मजहब में जरा देखना, इन चीजों में रिसर्च करके आए, हम भी करके आएंगे, फिर बताएंगे सिखी के अंदर इनकी क्या अहमियत है और आपके मजहब के अंदर क्या अहमियत है, फिर हमें पता चलेगा इस सतह के ऊपर जिसके ऊपर बाबा जी हमें लेके आए हैं, ये तो बिल्कुल एक जैसी चीज है। तो इस तरीके से बाबा जी ने अपना जो है वो पैगाम मोहब्बत का, अमन का, शांति का, आपस में मिलजुल कर रहने का, ये पूरी इंसानियत को दिया है। ये सिर्फ मेरे सिख बहन भाइयों को नहीं दिया, ये पूरी इंसानियत को दिया है। और इसके साथ बस अभी मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेता, मैं सिर्फ अभी दो चार चीजें आपसे बात करूंगा। एक तो ये है कि कल इंशाल्लाह आप लोगों ने यहाँ से चलना है, मेरी आपसे एक विनती है कि आप थोड़ा सा जल्दी चलिएगा और कल आपकी अरदास यहाँ पे हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। और हमारे जो ग्रंथी साहब हैं, कुलबीर साहब, जिनकी खिदमत 50 साल से वो कर रहे हैं, और इनके लिए मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि 50 साल से जो लोग, जो खानदान उस गुरु घर की खिदमत कर रहा है, जिस गुरु घर में कदम और हाथ और पंजे लगे हुए हैं, हमारे महाराज गुरु बाबा गुरु नानक देव जी के, तो आप ये देखिए कि उनकी ये खिदमत कर रहे हैं। तो कल ये अरदास जब ये करवा देंगे तो आपको बसों के जो नंबर हैं, हमने जो कार्ड इशू किए हैं, इंशाल्लाह जो लोग बैसाखी में आएंगे उनको हम बताएंगे, हम कार्डों के ऊपर जरा मोटा करके लिख देंगे 1, 2, 3, 4, पता चल जाएगा कि ये बस नंबर 1 है, बस नंबर 2 है, लेकिन अभी भी लिखा हुआ है। प्लीज मेरी आपसे खास तौर पे खुशविंदर साहब आपसे, जितेंद्र साहब आपसे, और बाकी मेरे जितने भी मेरी बहनें हैं, माए हैं, जो सिख जितनी भी इधर बैठी हुई हैं, और इसके अलावा हमारे जो सिख भाई और बुजुर्ग हैं, तो आप अपने अपने टिकट के ऊपर जरूर देख लें किस बस का है। पहले हमारी इंशाल्लाह हमारे मैनेजर शाहिद साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो पहली हमारी शायद 24 बसों का काफिला वो जो है वो तैयार होगा। तो वो जो काफिला है 24 बसों वाले, पहले जो 24 बसों के जो लोग होंगे, जो हमारे यात्री साहबान हैं, आप हमारे लिए बड़े मौजज़ हैं। मैं आपको ये बता दूं, हम ये जुबानी कलामी बात नहीं कर रहे, जुबानी कलामी करते तो ये जो वक्त है हमारा, ये हमारा सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक होता है, लेकिन हम ऐसी चीजों में वक्त नहीं देखा करते, हम लोगों के साथ को महसूस करते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, हम दिन को भी खड़े होंगे, हम रात को भी खड़े होंगे, यहाँ पे आके पूरा पहरा देंगे आपका, आपके साथ रहेंगे, आपकी खिदमत के लिए, आपकी सेवाकारी के लिए। तो आप प्लीज, मेरी आपसे अपील है, आपसे दरखास्त है कि 25 पहले जो बसें हैं उनके जितने भी हमारे यात्री सवाल हैं वो अपनी वहां पे वो पहुंचे, ताकि बस नंबर 1, 2, 3 उसी तरीके से वहां पे खड़ी होगी, वहां पे अपनी अपनी बसों का नंबर दे के खुद बैठ जाए, कहने कहलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी चीज,
रास्ते में इंशाल्लाह दो हमारी स्टैंडर्ड ब्रेकें होती हैं जहां पे हमने रेस्ट करना होता है, वो भी होगा आपके साथ इंशाल्लाह, लंगर भी होगा। संतोख साहब ने बड़ा इसका इंतजाम किया हुआ है। संतोख साहब किधर है, कहे भाई आज है संतोख साहब इधर। तो संतोख साहब ने इसका बड़ा इंतजाम किया हुआ है, हर दफा करते हैं, बल्कि जब भी संगत यहाँ पे आती है तो उसका इंतजाम करते रहते हैं ये। तो अभी मैंने वो डब्बे शब्बे सारे देखे हैं, माशाल्लाह बड़े बेहतरीन किस्म के हैं। तो वो हम हर बस में मैंने इनको बताया कि 3 से 4 डब्बे ज्यादा रखवा दें, कम ना रखवाए, तो वो भी आपके साथ जाएंगे, रिफ्रेशमेंट भी आपके साथ होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी बस में। और कमी तो होनी भी नहीं चाहिए, जब गुरु के सफर के लिए चल पड़ते हैं तो फिर कमियां शमियां ये ना देखा करें। फिर ये 5 जो आपको शब्द दिए हैं इनकी आप तस्बीह कर लिया करें। तो आपने फिर रास्ते में भी जब आप ठहरते हैं तो दाएं बाएं ज्यादा नहीं होना, क्योंकि जो लोग दाएं बाएं हो जाते हैं, पिछली दफा एक काफिला आया तो हमारी एक माता थी तो वो दाएं बाएं होगी, तो उसको ढूंढने में हमें 2 घंटे लग गए। तो प्लीज क्लोज रहा करें, हमें आपका बहुत ख्याल है। तो क्योंकि आप दूसरी सरजमीन पे होते हैं तो हमें आपको भी नहीं पता चलेगा, हमें भी नहीं पता चलेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि आपका ख्याल रखें, ध्यान रखें। तो आपने जो है वो करीब रहना है। इसके अलावा जब आप करतारपुर साहब पहुंचेंगे इंशाल्लाह, करतारपुर साहब जो पहला काफिला हमारा पहुंचेगा, तो वहां पे मैं आपको बता दूं कि आपकी खिदमत के लिए, आपकी सेवाकारी के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि ये गुरु साहब सबके गुरु हैं। तो हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इदारों ने हमारे साथ रابطہ भी किया, हर साल करते हैं वो हमारे साथ रابطہ। उन्होंने कहा कि जी इस दफा हम जो सेवाकारी करेंगे, खिदमत करेंगे अपने यात्रियों की, उसमें वो स्कूल की बच्चियां भी आ रही हैं जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। तो मेरी आपसे अपील है, मैंने अपने स्टाफ को भी बता दिया है, खासतौर पर मैनेजर साहब को भी मैंने बता दिया है कि वो जो बच्चियां होंगी कोशिश करें जो हमारी माए बहने हैं वो उनकी खिदमत के लिए आएगी, तो वो अपना सामान बेशक उनको देंगी वो जो बच्चियां खड़ी होंगी। इसके साथ साथ स्कूल के वो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बच्चे भी आए होंगे, वो कैडेट्स भी आए होंगे, वो भी आपका सामान वगैरह वो आपके कमरों तक और आपकी सेवाकारी के लिए मामूल होंगे, उनका भी आपने वहां पे जो है वो आपको नजर आ जाएगी वहां पे, वो हमारे से भी पहले वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो आप ये देखिए पूरी अवाम, पूरे लोग, पूरे महकमे सारे के सारे आपके साथ लगे हुए हैं। एक आखिरी चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ, मैं बताऊं कि मैं अमूमी तौर पे और खसूसी तौर पे मैं गुरु घरों में जाके मैं सरोपास को मैं जाती तौर पे नहीं लेता, मैं जो भी मुझे देता है, क्योंकि ये सर से पांव तक इज्जत होती है, तो मैं वो इज्जत वो चीज मैं अपने उन लोगों को देना चाहता हूं जो लोग वाकई यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। कोई सफाई का काम करता है, कोई खाना खिलाने का काम करता है, कोई जो है ना यहाँ पे जो है वो सेवाकारी करता है जो कि फिजिकली हाजिर होता है, मैं समझता हूँ उसका मेरे से भी ज्यादा हक है। तो हम ये चीजें हर चीज उसको डोनेट कर देते हैं, तो ये हमारे रिकॉर्ड पे भी रहती है। तो मैं इसके साथ साथ ये कहूंगा, जब मैं नहीं लेता तो मेरा जितना भी स्टाफ है जो कि बैंकुट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड श्राइन्स ब्रांच का है, उन सबको भी हमने बताया हुआ है, उनके स्रोत यही है कि हम आपकी खिदमत करें और आपकी खिदमत मेरा सरोपा है, मेरे से मुराद मेरी पूरी टीम का सरोपा जो है, पूरे पाकिस्तान का जो सरोपा है वो ये है कि हम आपकी अच्छे भले तरीके से खिदमत कर दें, ये हमारा और आपके जो शब्द हैं ये हमारा सरोपा है। जब मैंने सरोपा की बात की, क्योंकि इसकी एक बड़ी अहमियत है सिखिज्म में, इसके साथ साथ कोई भी चीज जो आप मिठाई बाकी चीजें, ये हम बिल्कुल इसका हमने 2 साल से बिल्कुल हमने इसका, क्योंकि जब आप किसी से कोई चीज इस तरह की ले लेते हैं, खासतौर पर जो सरकारी लोग होते हैं, जब ऐसी चीज ले लेती हैं, आपके जहन में आएगा कि मैं मिठाई लेके गया था एज ए पार्टी लीडर या एज ए यात्री, तो उन्होंने मेरी खिदमत की है। आपके जहन में भी आएगा, मेरे जहन में भी आएगा, जब मेरे सामने यात्री साहब आएंगे मैं कहूंगा यार ये वो यात्री है जिसने जो मेरे लिए मिठाई लेके आया, तो मैं अगर इसकी खिदमत करना चाहूंगा तो वो भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए वो दरमियान में क्या आ गई, मिठाई आ गई। तो आप मिठाई से और सरोपा से
रास्ता हमारी खिदमत का ना रोके। मैं ये समझता हूं ये चीजें रुकावट होती हैं। हमारी मोहब्बत में मिठाई नहीं आनी चाहिए, दरमियान में हमारे दरमियान में इस तरह की कोई चीज नहीं आनी चाहिए जिससे हमारा हमारी मोहब्बत काम हो जाए। हमारी मोहब्बत आपकी मोहब्बत बिल्कुल डायरेक्ट होनी चाहिए। इसलिए प्लीज कोई बंदा किसी को कोई चीज ना दे। कोई ऐसी कोई डिमांड है किसी की कुछ है वो जरूर हमारा सीनियर स्टाफ डिप्टी सेक्रेटरी साहब भी हमारे सिक्योरिटी अफसर भी और हमारे जो है वो इसके अलावा जो हमारे बैंक श्राइन्स हैं वो भी सारे यहाँ पे मौजूद हैं। उनको आप जरूर ये बताइएगा कि ये जो है ना ये चीज इस तरह नहीं होनी चाहिए। आपकी खिदमत हमारे लिए बलीन तरजीह है। इंशाल्लाह आपसे अगली मुलाकात हम अहमदाबाद में भी करेंगे और बाकी सिलसिला हमारा चलता रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपका काफी समय मैंने ले लिया लेकिन ये समय लेना बड़ा जरूरी था। घड़ियां देख के मत बैठा करें ऐसी चीजों पे, ऐसी चीजों में दिल लगा के बैठा करें। बहुत शुक्रिया। 15 तारीख को लाहौर का मार्केट संडे का खुला हुआ, खुला आपने जिसने लाहौर में जाना होगा अभी से जो पार्टी लीडर्स हैं इनके पास अपने लिस्टें जमा करवाएं, जो दिल्ली कमेटी के और दिल्ली कमेटी के लीडर को जमा करवा दें और जो श्रोमणी कमेटी के वो श्रोमणी कमेटी के जो लीडर है उनको जमा करवा दें। और मैं मैनेजर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप इनकी लिस्टें ले लीजिएगा उधर करतारपुर साहब में जाके और इनके नामों की लिस्टें लेके इनके लिए बकायदा जो हमारी बहनें माएँ आई हैं इन्होंने भी शापी करनी है फिरना है तो इनके लिए बकायदा सिक्योरिटी का इंतजाम हर चीज़ का इंतजाम करना है और इनको किसी किस्म की जो इनकी ख्वाहिश है इच्छा है वो जो है ना नहीं मोड़ ली कि सिक्योरिटी ठीक नहीं है फलाना ठीक नहीं है ऐसी कोई बात सुनने वाली नहीं है। और जी ओपन है आप फिर यहाँ पे आंकड़े।